क्या हाल है दोस्तों। और मैं आपके समक्ष आ गया हूँ CPL के नेक्स्ट मैच का प्रीव्यू लेके। मैं आपको प्रोबेबल 11 बताऊंगा दोनों टीम्स का और अपनी ड्रीम 11 टीम भी। इससे पहले अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्रिकेट की वीडियोस बनाता हूं और अभी मैं CPL के हर एक मैच की प्रीव्यूज़ कर रहा हूँ और उसके ड्रीम 11 की फैंटसी टीम भी बता रहा हूँ ताकि आपको उसमें हेल्प मिल सके। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज रात में 3 बजे मैच है STZ वर्सेस GAW सेंट लुसिया जूक्स एंड गयाना अमेजन वॉरियर्स का। तो इनकी स्क्वाड दी हुई है क्रिक बज पे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरे अनुसार इनकी प्रोबेबल स्क्वाड क्या होगी। देखिए, ये है इनकी प्रोबेबल स्क्वाड। सेंट लुसिया जूक्स की अगर आप बात करें तो इसमें अगर आप देखोगे इनके प्रोबेबल 11, रकीम कॉर्नवेल, आंद्रे फ्लेचर, मार्क टेयाल, रोस्टन चेज, नजीबुल्ला जाडरान, मोहम्मद नबी, डेरेन सैमी, जेवेल ग्लेन, कैसरिक विलियम्स, स्कॉट कुगलिन एंड जहीर खान। तो ये है 11 जो मुझे लग रहे हैं कि आज की मैच का हिस्सा हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ गयाना की 11 की, क्योंकि गयाना के 11 में हो सकते हैं ब्रेंडन किंग, केविन सिंक्लेयर, शिमरन हेटमायर, रोस टेलर, निकलस पुरन, किम पोल, रोमारियो शेफर्ड, क्रिस ग्रीन, इमरान ताहिर, एशमेड नेड एंड नवीन उल हक। तो ये दोनों टीमों के 11 हैं जो आज के टीम का हिस्सा हो सकते हैं। और अगर आप ड्रीम 11 टीम भी बनाना चाह रहे हैं इस मैच की, तो मैं आपको अपनी अपनी ड्रीम 11 टीम दिखा देता हूँ। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों विकेट कीपर्स को टीम में रखा है क्योंकि इनकी रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी रही है, निकलस पुरन एंड आंद्रे फ्लेचर। उसके बाद 3 बैट्समैन हैं, शिमरन हेटमायर, ब्रैंडन किंग एंड नजीबुल्ला जाडरान। ऑलराउंडर्स को भी मैंने 3 ही ऑलराउंडर्स पिक किए हैं, और मेरे जो पहले ऑलराउंडर जो मेरे कैप्टन है वो है मोहम्मद नबी, वाइस कैप्टन मैं रोस्टन चेज को रखूँगा और तीसरे ऑलराउंडर मेरे रहेंगे क्रिस ग्रीन। 3 बॉलर्स मैंने पिक किए हैं, इमरान ताहिर, नवीन उलहक और केविन सिंक्लेयर। तो ये है मेरी आज की ड्रीम 11 टीम जो मैं आज के मैच में मैदान में उतारूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।